हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक डिटेल की स्टॉक मार्केट और मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट की। आपको पता है आज सैटरडे है, मार्केट क्लोज है, तो कुछ अपडेट इसके बारे में हम पढ़ेंगे। निफ्टी मार्केट क्लोज करके कोई एंट्री नहीं हुई, सेंसेक्स भी आज कोई एंट्री नहीं हुई, FII और DII की तरफ से भी कोई एंट्री नहीं हुई। तो चलिए सीधा चलते हैं मार्केट की ओर। पेट्रोल और डीजल के भाव में, पेट्रोल अभी चल रहा है 98 प्रति लीटर, डीजल चल रहा है 91 प्रति लीटर। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड है 59,200 प्रति 10 ग्राम की, सिल्वर है 69,500 प्रति केजी की, LPG एक माह से ये बढ़कर 1132 प्रति सिलेंडर हो चुकी है, और डॉलर एक USD बराबर है 81.84 के बराबर। तो ये थी कुछ मार्केट अपडेट। अब चलते हैं वीकली चार्ट ऑफ वीकली रिपोर्ट कार्ड ऑफ निफ्टी। मंडे को पॉजिटिव रहा, ट्यूसडे को हॉलीडे और वेडनेसडे को पॉजिटिव, थर्सडे को पॉजिटिव, यानी कि इन 5 वर्किंग दिनों में 2 दिन हॉलीडे के कारण मार्केट क्लोज रही, लेकिन 3 दिन लगातार प्रॉफिट हो, वो भी अच्छे मार्जिन से, जिसमें मंडे को 0.22%, वेडनेसडे को 0.91% और थर्सडे को 0.24% ये हुआ। आगे हम सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में भी सेम था, ट्यूसडे और फ्राइडे को हॉलीडे करके 3 दिन मार्केट ओपन रही और 3 दिन ही प्रॉफिट मेन पॉजिटिव रहा। मंडे को 59,106 जिसमें 0.19% पॉजिटिव, वेडनेसडे को 59,679 इसमें 583 या 0.99%, और थर्सडे को 59,833 इसमें 144 पॉजिटिव पॉइंट, रेशो की बात करें तो 0.24% कि वीकली चार्ट में आपने देखा कि इस वीक तीनों ही दिन पॉजिटिव रहा और 2 दिन हॉलीडे रहा। तो ये थी कुछ मार्केट अपडेट और स्टॉक मार्केट चार्ट या रिपोर्ट। तो होप सो आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप इसमें कुछ और टॉपिक ऐड करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।